इस लेक्चर में हम लोग स्टेयर केस सीखने वाले हैं। अब देखिए, स्टेयर केस हम लोग को लेने के लिए सबसे पहले यहाँ जाना होगा फ्लोर पे और यहाँ स्टेयर केस बनाना होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक लेयर क्रिएट करेंगे, क्लिक ऑन अ लेयर प्रॉपर्टी और इसमें यहाँ पे न्यू लेयर लेते हुए 3D स्टेप में यहाँ पे लेयर बना देता हूँ। ऑलराइट, अब उसी लेयर पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे 3D स्टेप में और यहाँ लेयर बनाएंगे। लेकिन बिफोर डूइंग दिस, बाकी की सारी लेयर जो है यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे। स्टेप के ऊपर जाना है, जो कि हमारी स्टेयरकेस है, जो इस साइड से ऊपर जाएगी। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे होंगे, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ से ऊपर जाएगी हमारी, कि जैसे कि आप यहाँ पे टॉप व्यू में जाएंगे पहले। तो अब यहाँ जाने के बाद हम लोग एक बॉक्स लेंगे, तो आप यहाँ पे प्रेस पुल भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से मुझे प्रेस पुल करना है जिसकी साइज 0.16 होनी चाहिए। आप 1.5 भी ले सकते हो, मैंने 1.6 लिया और इसकी भी साइज मैंने सेम ली और बीच में से एक लाइन दे दी यहाँ पे। एल स्पेस करते हुए एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ तक और नीचे से मैं प्रेस पुल करते हुए ये नीचे की साइज में हटा देता हूँ। आ गया। अब इस दोनों को सिलेक्ट करते हुए मैं जी स्पेस कर देता हूँ ताकि ग्रुप, और यहाँ पे इस स्टेप को मैं कॉपी कर देता हूँ CO स्पेस के जरिए। CO स्पेस करना है और यहाँ से इसको कॉपी करते जाना है ऊपर फटाफट, जो कि आपको इस तरीके से ये कॉपी हो जाएगा। ओके, एग्जैक्ट कॉर्नर आपको लेना है, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। 9 पॉइंट हो जाएगी, आपको छोड़ देना है और फिर से चले जाना है आपको टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में कुछ ज़्यादा ही हमारी स्टेप बन चुकी है, तो ये दो हटा देता हूँ, ये दो भी हटा देता हूँ और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की हमारी लैंडिंग के साथ स्टेप बन चुकी है। आखिरी वाले स्टेप को मैं UNG कर देता हूँ, यानी कि अनग्रुप कर देता हूँ। तो देखो ये अलग हो गया, इसकी भी एक लास्ट वाली हटा देता हूँ, अब यही बच जाएगी। तो 3D में जाते हुए प्रेस पुल पे जाता हूँ और इसके फेस को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर देता हूँ मेरे CAD वाले फाइल के एंड पॉइंट के ऊपर, और फिर 3D करते हुए मैं प्रेस पुल पे क्लिक कर देता हूँ और लेफ्ट साइड का फेस मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 3D का, और यहाँ तक मैं एंड पॉइंट तक इसकी लैंडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जितनी भी हमारी ये जो स्टेप बनी है, ये 0.15 का इसका राइज है और इसको जी स्पेस करके ग्रुप कर देंगे, और इसी जो 3D है, जो सारी स्टेप बनी है, इसको ही हम लोग CO करते हुए कॉपी कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे रख देंगे ऊपर तक। तो ये तो स्टेप ऊपर आ गई है लेकिन रोटेट नहीं हुई है। रोटेट टूल के ऊपर क्लिक कर देना है हमें और ब्लू एक्सेस के जरिए हम लोग को यहाँ पे रोटेट करना है। तो हम लोग रोटेट करेंगे इसको कौन से साइड में, पहले देखना है आपको कौन सी साइड। 180 की साइड हम लोग ले लेंगे और इस तरीके से इसको रोटेट कर देंगे। फिर इसको M स्पेस दबाते हुए मूव कर देंगे यहाँ तक। ओके, अब देखिए इस तरीके का ये स्टेप हमारा बन चुका है। अब देखिए हम लोग जाएंगे यहाँ कस्टमाइज में और फ्रंट व्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब फ्रंट व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अप साइड अप स्टेयर जो हम लोग ने सिलेक्ट की है, इसको UNG के जरिए यानी कि अनग्रुप कर देता हूँ मैं, एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली स्टेप है उसको भी UNG कर देता हूँ मैं, इसकी कॉपी कर देता सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे CO स्पेस कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको रख देता हूँ नीचे तक। ये सारी जो स्टेप है इसको मुझे सिलेक्ट करना है फटाफट से और यहाँ से मुझे ग्रुप भी करना है जी एंटर के जरिए। अब ये तीनों जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए ग्रुप कर देता हूँ, ये 3D बन चुका है। यहाँ पे इसको ही हम लोग CO स्पेस करते हुए कॉपी कर देंगे और यहाँ से मूव कर देंगे इसको कहाँ तक, ये ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, अब देखिए ग्राउंड लेवल पे आते ही हमें एक लेयर एक्टिव करना है जो कि ग्राउंड लेवल का है। देखिए यहाँ पे इसके वॉल जो आउटर कंपाउंड वॉल है उसके उसको वॉल वाले लेयर में डाल देता हूँ, वॉल वाले लेयर में मैं एक्टिव कर देता हूँ। अब देखिए उसी लेयर में ये चला जाएगा क्योंकि हाइड लेयर है, तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं फ्रंट व्यू में, ये कहाँ पे रह चुका है देखो, यहाँ नीचे तक। तो नीचे से स्टेप तो स्टार्ट होगी नहीं क्योंकि स्टेप कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट है, ग्राउंड लेवल के प्लिंथ लेवल से हमारी स्टार्ट है।
तो यहाँ पे मूव कर देंगे इसको और ऊपर ले लेंगे 0.75 जो कि यहाँ तक आ चुका है देखिए। तो अब जाएंगे यहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू में, तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ ऊपर तक हमारी स्टेप आ चुकी है। इसी स्टेप को सिलेक्ट करते हुए मैं यानी कि कॉपी कर देता हूँ ऊपर और इसकी साइज रहेगी 3.15, एंटर। अब देखिए यहाँ तक भी ऊपर आ चुका है। जो एक्स्ट्रा हमारी स्टेप है इसको हटा देता हूँ। तो आपने आज सीखा है कि 3D स्टेप किस तरीके से ली जाएगी, देखो ठीक है। बाकी सब हाइड करके भी आपको दिखा देता हूँ, मैं अनहाइड कर देता हूँ ठीक है। तो सारी लेयर अनहाइड कर दी है। अब देखो इस तरीके से हमारा ये 3D प्लान यहाँ पे बन चुका है, रियलिस्टिक। अब देखिए आपके सामने है 3D प्लान ठीक है, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको 3D वर्क करना है। ओके okay?